मुख्यमंत्री जी, आप ही बता दीजिए कि आपने किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि दिल्ली से पर्ची आपकी आई। जो पर्चियां आ रही हैं वो न मुख्यमंत्री की न मंत्रियों की पर्चियां सही नहीं आई हैं, कि मुख्यमंत्री के प्रदेश समझ में नहीं आ रहा है, मंत्री के विभाग और ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं, सीएस के सीएमओ समझ में नहीं आ रहा है और सीएमओ के दिल्ली समझ में नहीं आ रही है, और जनप्रतिनिधियों को काम कौन करेगा समझ में नहीं आ रहा है। मेंढक की तरह उछल रहे हो ना, ये तुम्हारे ही घाटे का सौदा है, मेरे नहीं है। तुम्हारे को मंत्री मिलता नहीं, मंत्री से मुख्यमंत्री नहीं मिलता, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं मिलता। मुख्यमंत्री को एक शब्द नहीं बोलने देंगे, शांति से रहो। यही संसदीय कार्य मंत्री जी को अंदर नहीं प्रवेश करने दिया तो ये कह रहे थे 1-1 लाख की थैली देने वाले को मुख्यमंत्री मिलते हैं, हमसे नहीं मिलते। ये काय के पंचायती राज के चुनाव कराएंगे? आप भट्टा बैठा होगे इन जनप्रतिनिधियों का, नगर निकाय और पंचायती राज का भट्टा बैठा होगे। ये मोदी जी की लाइनें लिखना बंद करो, आपके बस में ही नहीं है कि पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव आप करवा दो। आप एक भादरा का चुनाव नहीं करा सके, एसडीएम को छुट्टी भेजना पड़ा क्योंकि वहां पर आप हार रहे थे, भरतपुर में आप हार रहे हो। मैं कोई पर्ची से नहीं बना भाई साहब, मैं तो जो है हकीकत वो रखूंगा। ऐसे ही बोलोगे तो कौन नंबर दे रहा है? तुम्हारे बाबू नहीं लगते तुम्हारे कहने से? काय के लिए चिल्ला रहे हो? बैठ जाओ। 2047 का विजन किसने देखा? 2047 पांच साल बाद में 70-80% तो पूर्व विधायक की पेंशन लेते मिलेंगे। 2047 किसने देखा है? आपका वर्तमान विजन ठीक करो। इन्होंने बहुत हल्ले किए, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, और पता नहीं कितने हम पे आरोप लगाए। 5 महीने का इनका अपराध का आलम है। कुल आईपीसी के अपराध 87,311, व्यापरण अपहरण 4,527, दुष्कर्म बालिक के साथ 1994, नाबालिग के साथ 576, कुल 2570, और महिलाओं के, जिस महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं का अत्याचार, महिलाओं के अत्याचार के 14,835 केवल 5 महीने के हैं, 5 महीने के। तो नहीं सहेगा राजस्थान आपका फेल हो गया। और आर्थिक विकास दर इन्होंने 2018-9 में जब इनकी भाजपा की सरकार थी 2.37%, और 21-22 में हम 11.04 देश में नंबर 2 पे पहुंच गए थे। ये आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता भाई साहब। शिक्षा मंत्री जी नई पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, उस नई पॉलिसी में शिक्षा विभाग में एक भी सरकारी नौकरी आगे से नहीं होगी, इस बात का प्रावधान है, सारी की सारी संविदा पे होंगी। और इन्होंने एक चेंज कर दिया, 6 साल का बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेगा। अब की बार एक बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, हमने 1 करोड़ तक नामांकन पहुंचा दिया था, ये 70,000 में आ गए। इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हो, तमाशा लगा रखा है। 7.5 लाख बच्चे हैं गरीब के। मैं दावे के साथ कहता हूं, जान चली जाए इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद नहीं करने देंगे।